इस गांव से शुरू हुई थी डायन प्रथा की शुरुआत। दोस्तों, हम सभी बचपन से ही डायनों और जादू टोनों की किस्से कहानियां सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने वाले हैं जहां की ऐसी मान्यता है कि 500 वर्ष पहले काले जादू और टोने टोटके करके औरतों को डायन बनाया जाता था। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, बल्कि यह वीडियो सिर्फ आपके जानकारी के लिए बनाया गया है। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल द लॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हरांगुल गांव, लातूर, महाराष्ट्र। दोस्तों, हरांगुल गांव के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहीं से डायन प्रथा की शुरुआत हुई थी। वैसे तो काले जादू का उल्लेख बंगाल से सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है डायन प्रथा की शुरुआत इसी गांव से हुई थी। लगभग 15वीं शताब्दी से डायन प्रथा की शुरुआत इसी गांव से हुई थी और तब से लेकर अब तक चैन से इस गांव में कोई नहीं सो सका। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि काले जादू के बल पर इस गांव में महिलाओं को डायन बना दिया जाता था और आम महिलाओं को डायन में परिवर्तित करने के बाद इस गाँव की पहचान ही बदल गई। इस गांव में सबसे पहले एक औरत डायन बनी, जिसके बाद एक पूरा कस्बा ही डायनों में परिवर्तित हो गया। शुरुआत में तो यहां के भोले भाले गांव वालों को इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन बाद में उन्हें इसकी जानकारी हो गई कि वो सब बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। आपको बता दें कि इन डायनों ने सबसे पहले अपने घर वालों को शिकार बनाया और देखते ही देखते पूरा गाँव इनकी चपेट में आ गया। डायनों का प्रकोप धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि पहले जो काम वो डायने रात में करती थी, वो काम खुलेआम दिन में भी करने लगी और देखते ही देखते पूरे गांव पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। डायनों ने गांव में अपना कहर इस कदर बरसाया कि जवान लड़कों का शव पेड़ पर लटकते हुए मिलने लगा। गांव वाले के सामने इस बात की सच्चाई सामने तब आई जब उनको पता चला कि डायनों ने गांव के कुंवारे लड़कों को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया और अंत में उनका खून चूसकर उसका इस्तेमाल तांत्रिक सिद्धियों को हासिल करने के लिए किया। यह सब होता देख गांव के लोगों को बहुत गुस्सा आया और फिर उन लोगों ने डायनों को पेड़ में बांध कर जलाना शुरू कर दिया, लेकिन मरते मरते उन डायनों ने यह कहा कि वो वापस आएंगी और अपना बदला लेंगी। और तब से इस गांव में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वर्जित हैं। दोस्तों, इसके पीछे की पौराणिक मान्यता ये है कि यदि इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो डायन फिर से वापस आ जाएंगी, और यही कारण है कि आज भी इस गांव के लोग पेड़ों पर कीले ठोकना, पेशाब करना, थूकना या फिर रात के समय पेड़ों के नीचे सोना इत्यादि चीजें नहीं करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के इस गाँव के लोगों का यह कहना है कि आज भी वो डायने रात के समय में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, हालांकि वो अब इतनी ताकतवर नहीं है कि किसी को डायरेक्ट नुकसान पहुंचा सके, लेकिन हाँ, उनके झांसे में जो भी पड़ा उसका वो बड़ा ही बुरा हश्र करती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।